हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडिशन विद विकास। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर और दो पार्टिकल्स या दो पोजीशंस के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बारे में। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखिए, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को या किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जो वेक्टर की आवश्यकता होती है, वह वेक्टर आपका होता है पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो हम क्या है, टू डायमेंशन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं इस तरह से। तो मान लीजिए बेटा, ये टू डायमेंशन कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और ये वाई, और ये उसका ओरिजिन है। मान लीजिए बच्चों कि यहां पर एक पार्टिकल लिखा है, एक पार्टिकल है पी, ठीक है बच्चों। अब क्या है, इस पार्टिकल की पोजीशन को पता करने के लिए, सही पता करने के लिए आपको कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होती है। तो हमने टू डायमेंशन एक्स और वाई कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, जिसका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब ये एक पार्टिकल है, मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है। तो इसकी पोजीशन को पता करने के लिए या इसकी पोजीशन को या इसकी स्थिति को पता लगाने के लिए मुझे एक वेक्टर की आवश्यकता होती है, जिस वेक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं स्थिति सदिश। तो बच्चों देखिए, यहां पर एक पार्टिकल रखा है और मान लीजिए यहां से यहां तक जो उसकी पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है बेटा, वो कितना है, आर है। यानी देखो, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हमको एक वेक्टर की आवश्यकता होती है, जिस वेक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं। यानी स्थिति सदिश को या पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। और बच्चों, हमने पहले वाले लेक्चर में और सेकंड वाले लेक्चर में, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो हमेशा उसके ओरिजिन पॉइंट से बताई जाती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इसको अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा देखिए, ये पार्टिकल जो है वो ना तो एक्स एक्सिस में है ना वो वाई एक्सिस में, वो रखा है एक्स और वाई के बीच में। तो इस पार्टिकल की कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो एक्स में भी कवर हुई है इस तरह से, और कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस में भी कवर्ड हुई है, कवर मतलब तय की गई है। तो मान लीजिए बेटा कि एक्स एक्सिस में जो इसकी डिस्टेंस है वह कितनी कवर हो रही है बच्चों, एक्स, ठीक है बच्चा। और यहां पर मैं एक पॉइंट मान लेता हूं और यहां पॉइंट मान लेता हूं आर, ठीक है बच्चों। तो ये पार्टिकल पी, जिसका ओरिजिन से स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर आर था, और वो एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, एक्स, या उसकी पोजीशन एक्स डायरेक्शन में कितनी है, एक्स, और बेटा वाई डायरेक्शन में कितनी पोजीशन मान लीजिए, वाई। ये वाले जो हमने कंसेप्ट बताया है, इनको जो ये ओ, देखो एक वेक्टर था आपका ओपी, उसका कुछ प्रोजेक्शन OQ है और उसका कुछ प्रोजेक्शन OR है। OQ जो प्रोजेक्शन है, परछाई एक तरह से कह सकते हैं, वो X डायरेक्शन में है, और OR जो है बेटा वो Y डायरेक्शन में है। ये एक प्रोजेक्शन और कंपोनेंट्स का एक हिस्सा होता है, जो हमने इससे लेक्चर नंबर 6 में आपको बता दिया है और अच्छे से समझाया है। आप चाहे तो उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए बेटा ध्यान से, अभी अगर आप नोटिस करो तो ये पैरेललोग्राम बन चुका है, यानी समांतर चतुर्भुज बन चुका है। बेटा समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है बच्चों, वो क्या होती है आपकी, बराबर होती है। अगर मान लीजिए OX, OQ जो है डिस्टेंस वो X है, तो बेटा यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी बच्चों, X हो जाएगी। और अगर ये Y है तो बेटा ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, Y हो जाएगी। तो मैं इसकी चलिए डेफिनेशन लिखता हूं बेटा, देखिए जरा, पोजीशन वेक्टर, बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं हम स्थिति सदिश, यानी किसी भी पार्टिकल की स्थिति को बताने वाले वेक्टर को हम स्थिति सदिश कहते हैं। तो बेटा देखिए जरा, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं, टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, वी नीड ए वेक्टर, दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है बच्चों, दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर। यानी बच्चों, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हमको एक वेक्टर की आवश्यकता होती है, जिस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहते हैं,
जिसे हम हमेशा R से डिनोट करते हैं बेटा, और किसी से किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हमेशा R से ही डिनोट किया जाएगा, जो कि वेक्टर है। इसके लिए इसके हमने ऊपर एरो लगा दिया। ठीक है बच्चों, आगे थ्योरी लिखते हैं, या लिखता हूं बेटा, लेट अस कंसीडर, मान लीजिए एक पार्टिकल है, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल पी होज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई। यानी हमने एक पार्टिकल मान लिया पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस में कितने बच्चों, एक्स, वो डिस्टेंस हो सकती है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और बेटा वाई एक्सिस में उसका कितना कोऑर्डिनेट है, वाई, निर्देशांक सब होते हैं, वो भी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। इस तरह से आप गणित में सीख चुके हैं ज्यामिति में। तो बच्चों ये पी पार्टिकल है जिसकी पोजिशन कितनी है बच्चों, एक्स और वाई है, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स और वाई। एक्स जो है कोऑर्डिनेट है एक्स डायरेक्शन का, और बाय जो है वो बाय डायरेक्शन, बाय कोऑर्डिनेट है वाई डायरेक्शन का। ठीक है बच्चों, तो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल पी हुज कोऑर्डिनेट आर एक्स एंड वाई, देन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज डिनोटेड बाय। यानी बच्चों क्या कह रहा है कि हमने एक पार्टिकल मान लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट जो है बच्चों को एक्स वाई है, तब उसका स्थिति सदिश या उसकी पोजीशन जो होगी वो इस निम्न तरीके से या निम्न से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, पोजीशन R जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स आई प्लस बाय जे। ठीक है बच्चों, यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कैसे लिखते हैं कि वो एक्स एक्सिस में कितना है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हम बेटा आई लिखते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाते हैं, आई जे और के। आई अगर हम किसी क्वांटिटी के साथ आई लगा देते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है या हमें पता चल जाता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी एक्स डायरेक्शन में है, और अगर जे है तो हम समझ जाते हैं कि वह वाई डायरेक्शन में, और के है तो वो जेड डायरेक्शन में। के वाला केस भी अभी देखेंगे, लेकिन हम केवल टू डायमेंशन मान रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ये चीज डायरेक्ट लिख दी, क्यों लिखी, कैसे लिखी, और इसका कोई प्रमाण है? बिल्कुल प्रमाण है बेटा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। चलिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, इधर की तरफ समझाता हूं कि ये फॉर्मूला आपका किस हिसाब से या किस तरीके से बन के आया। ठीक है बच्चों, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, देखिए बेटा ध्यान से, ये एक आपका पार्टिकल था इस तरह से, ये पी ओपी, और बेटा ये एक्स एक्सिस में उसकी कितनी डिस्टेंस थी बच्चों, एक्स थी। ठीक है बच्चा, और वाई एक्सिस में उसकी कितनी डिस्टेंस थी बेटे, वाई थी। ठीक है बेटा, आप देखें जरा हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देखिए इसकी जो पोजीशन है वो आर है, और यहां पर जो ये इसकी एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन है वो एक्स है, तो साथ में हम यहां पर आई लगा देते हैं। आई सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि आई उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है बेटा, डिनोट कर रहा होता है इस तरह से। चलो मैं आई लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, और बाई एक्सिस में हम यहां पर बाई एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो कितनी होती है आपकी, जे होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब देखिए अगर मैं नोटिस करूं तो बेटा ये देखिए आर जो था वो पोजीशन था, ठीक है, और ये जो एक्स थी वो एक्स एक्सिस में उसकी डिस्टेंस थी, और ये जो वाई था वो वाई एक्सिस में डिस्टेंस था, और इसको हमने एक समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बनाया था, तो इसको एक्स और इसको एक्स बोल दिया था, इसको वाई, तो ये भी वाई हो गया था। अब अगर मैं इसे ऐसे वेक्टर की तरह ट्रीट करूं तो बेटा देखो जरा, फर्स्ट वेक्टर जो है वो इस तरह हो गया, और सेकंड वेक्टर क्या हो गया बेटा, अपवर्ड। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर, मैं वेक्टर इसलिए मान रहा हूं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से फर्स्ट वेक्टर है तो पोजीशन भाई, आर पोजीशन जो है वो एक्स और वाई में है, और एक्स जो पोजीशन है वो केवल एक्स एक्सिस में, और वाई जो पोजीशन है वो केवल वाई में है, और एक्स और वाई दोनों जब मिल जाते हैं तो उनकी पोजीशन हम आर लिखते हैं, एक्स वाई जेड मिल जाते हैं तो उनकी पोजीशन को हम आर से लिखते हैं। तो बेटा देखिए फर्स्ट वेक्टर मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। अब देखो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल कनेक्ट है, और ये बेटा देखो ये वाली जो वेक्टर है वो कैसे कनेक्टेड है, हेड टू हेड, सॉरी टेल टू टेल और हेड टू हेड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो है आपका वो आपका रिजल्टेंट हो गया, और बाकी के ये दोनों बच्चों क्या हो गए आपके, वेक्टर्स हो गए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि वाई ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से देखें जरा ध्यान से, R इज इक्वल टू
एक्स आई प्लस वाई जे, मतलब क्या, मतलब आर जो है वो आपका रिजल्टेंट है और आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो बाकी के दो वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा। तो बेटा एक्स एक्सिस में कितनी पोजीशन है एक्स और वाई एक्सिस में कितनी पोजीशन है वाई, और अगर मैं उनके साथ आई जे के लगा दूंगा तो वो भी वेक्टर बन जाएंगे। तो बेटा ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो बाकी के दो वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है। ये हमने आपको लेक्चर 3 या 4 में या सेट 2 में समझा दिया था, आपको चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आप नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा आपने देखा कि एक पार्टिकल पी था जिसकी पोजीशन कितनी थी आर वेक्टर थी, और एक्स एक्सिस में कितनी पोजीशन थी एक्स थी, और डायरेक्शन आई है, और वाई एक्सिस में वाई। तो ठीक है बच्चा, हमने ये देखा कि ये पोजीशन किस तरह से आई, बाय ट्रायंगुलर लॉ से। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर मैं मान लीजिए मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, आपको केवल उसका रिजल्ट बताना है कि उसकी पोजीशन कितनी है। कितनी मतलब आपको डायरेक्शन नहीं बतानी, एक्स एक्सिस में कितना है वाई एक्सिस में। तो यहां लिखेंगे क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो बेटा मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, हम किसी भी वेक्टर का क्वांटिटी का मोड लगा देते हैं, तो बेटा वो कितना हो जाता है एक्स आई प्लस वाई जे। बेटा बच्चों इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये जो एक्स है, एक्स एक डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में, वाई भी एक डिस्टेंस है वाई डायरेक्शन में। तो बेटा मोड किस तरह से फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी जो कि पोजीशन थी उसका मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन गायब हो गई, आई और जे खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, इसको हम ट्रायंगुलर लॉ से भी देख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक काम करता हूं, मैं इसकी डायरेक्शन भी निकालता हूं। तो यहां लिखता हूं बेटा कि द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। बेटा देखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की जो पोजीशन है वो यूनिट वेक्टर के द्वारा बताई जाती है। अब देखिए आर एक क्या नाम है डिस्टेंस थी, अगर उसके ऊपर मैं वेक्टर लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा पोजीशन वेक्टर, और अगर मैं उसके ऊपर कैप लगा दूंगा तो वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बेटा यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा देखिए आर कितना है आपका एक्स आई प्लस वाई जे, और बेटा देखिए नीचे कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो बेटा देखिए किसी भी वेक्टर, सॉरी माफ करिए ये इधर हो गया, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की पोजीशन इस तरह से बताई जाती है, और मैग्नीट्यूड इस तरह से बताया जाता है, और उसकी डायरेक्शन इस तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए और मैं आगे आपको 3D में बताता हूं। मिस्टेक है इधर, ये यूनिट वेक्टर है तो बेटा यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप आता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से चलिए आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चे, किसी भी पार्टिकल की 3D में हम पोजीशन को किस तरह से देखते हैं बच्चों, देखिए जरा आप नोट कर लीजिए, ये अभी तक केवल आपका 2D था, अब हम इसको 3D में देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल की 3D पोजीशन कितनी होती है बच्चों। चलिए देखते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं कि द पोजीशन वेक्टर इन 3D। पोजीशन वेक्टर मतलब बेटा स्थिति सदिश, द पोजीशन वेक्टर इन 3D। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस के जेड के। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना है बच्चों, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके ऊपर मोड लग जाता है, तो वो किस तरह से निकालते हैं बेटा, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k का कंपोनेंट कितना बेटा z स्क्वायर। अब अगर मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे बेटा, r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r वेक्टर। तो बेटा r वेक्टर कितना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के बेटा जेड के, और अपॉन बेटा मॉडुलस कितना निकाला है आपने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। बेटा देखिए डायरेक्शन बताने के लिए हमको हमेशा ये जो है आपका यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश। आपको हमने सेकंड लेक्चर में यूनिट वेक्टर के बारे में बताया हुआ है कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है, देखिए ये क्वांटिटी है a, इसके ऊपर अगर मैं वेक्टर लगा देता हूं तो बेटा ये हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी।
अब अगर मैं इसके ऊपर कैप ये कैप लगा देता हूं तो ये हो जाता है यूनिट वेक्टर। तो बेटा यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर अपॉन स्केलर, यानी वेक्टर क्वांटिटी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि फाइंड फॉलोइंग। ठीक है बेटा, आर लिखा है इसका मतलब हमको पोजीशन वेक्टर बताना है। किसका पोजीशन वेक्टर बताना है बच्चों? ए का, यानी ए कोई पार्टिकल होगा, जैसे अभी हमने थ्योरी में देखा था पी पार्टिकल था। फिर हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब पोजीशन वेक्टर का। फिर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, सिमिलरली इस तरह से। तो बच्चों देखिए, एक हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है एक्स वाई में। तो बेटा ये वाली डायरेक्शन प्लस एक्स है और ये वाली डायरेक्शन प्लस वाई होती है बच्चों, और ये वाली डायरेक्शन माइनस एक्स, और नीचे वाली डायरेक्शन जो होती है बच्चों वो माइनस वाई होती है। इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत समझदार बच्चे। तो बच्चों देखिए, यहां पर वो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, 2 है, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स में 2 है और वाई में भी कितनी है बच्चों? 2। सिमिलरली उसकी जो बी पार्टिकल है उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है -2, 2 है, यानी उसकी जो x की डायरेक्शन है वो कितनी है? -2, और बेटा y में कितने कोऑर्डिनेट है? 2। तो बेटा अगर आप नोटिस करें तो दोनों पार्टिकल्स अपवर्ड है, यानी ऊपर की तरफ, प्लस y। इसलिए देखिए दोनों के y भी प्लस है, लेकिन जो a पार्टिकल है वो प्लस x की तरफ है, इसलिए वो प्लस में लिखा है, उसके कोऑर्डिनेट प्लस है, उसका निर्देशांक प्लस है। लेकिन जो b पार्टिकल है बेटा वो कितना है? -2। यानी वो इस तरह से समझिए कि ये इसका ओरिजिन पॉइंट है और ये मान लीजिए क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 2। यानी एक पार्टिकल x एक्सिस में कितना है बेटा? 2, और बेटा y एक्सिस में भी कितना है? देखिए 2 है। तो मान लीजिए ये 1 और ये 2, तो ये जब मैं दोनों को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो यही इस पॉइंट पे आकर के मिलेंगे। सिमिलरली एक पार्टिकल है भी जो x डायरेक्शन में -2 कोऑर्डिनेट पे रखा है, माइनस इधर, तो 1 ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा बच्चों -2। तो मैं लिख देता हूं +1, +2, -1 और -2, और ये +1 और +2। तो बेटा बी पार्टिकल एक्स एक्सिस में माइनस में है अर्थात इधर है, लेकिन वाई एक्सिस में प्लस है तो इसके ऊपर ही है, तो बी पार्टिकल यहां रखा हुआ है। तो बच्चों देखिए, मैं इसको फाइंड करना स्टार्ट करता हूं, आंसर लिखता हूं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, तो मुझे अगर पोजीशन निकालनी है ए आर ए की, तो बेटा मैंने क्या बोला था कि एक्स एक्सिस की एक्स एक्सिस में कितनी पोजीशन है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन प्लस बाई में कितनी पोजीशन है और बाई एक्सिस की डायरेक्शन। तो बेटा देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है? 2 आई, प्लस बाई का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? 2 और साथ में जे। तो ये इस पार्टिकल की पोजीशन हो गई जो इस तरह से था। ठीक है बच्चों, अब अगर मुझे इसका, ये पहला नंबर हो गया सवाल, अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर बन जाता है, मतलब उसमें से हम डायरेक्शन को खत्म कर देते हैं। तो बेटा देखिए मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करते हैं, I कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस K कंपोनेंट। अब बेटा आप देख पा रहे हैं कि ये डायग्राम 3D नहीं है, 2D है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको करते हैं, तो कितना हो जाएगा? √8, यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2√2। तो बेटा ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गया, और देखिए मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन गायब हो गई, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। बेटा देखिए तीसरा अगर सवाल हम फाइंड करें तो वो क्या कह रहा है कि इसकी यूनिट वेक्टर की, मतलब इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। तो बेटा देखिए कोई भी जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड, यानी वेक्टर का मोड स्केलर होता है बच्चों, इस तरह बस। आर ए कितना है बच्चों? 2i + 2j अपॉन, बेटा आर ए कितना है आपका, मतलब मॉडुलस ऑफ 2√2। तो इसको अलग अलग करके हम लिखते हैं, तो आर ए इज इक्वल टू कितना? 2√2i + 2√2j, मतलब बच्चों ये कि ये जो है इसके साथ भी नीचे है और इसके साथ भी, तो 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा आर ए कितना आ जाएगा? 1√2i और प्लस 1√2j, यानी पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है बेटा वो एक्स एक्सिस में, देखो आई है तो एक्स एक्सिस 1√2j, एक्सिस में 1√2। ठीक है बच्चों, ये है। अच्छा, अब दूसरे वाले को अगर हम फाइंड करें तो मैं दूसरा वाला इधर न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं, यानी ये फोर्थ नंबर का। तो बेटा आर बी, तो दूसरे पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है बच्चा? एक्स में पोजीशन एक्स की डायरेक्शन प्लस वाई में पोजीशन वाई की डायरेक्शन, हम फॉर्मूला देख चुके हैं। तो बेटा देखिए एक्स कितना कोऑर्डिनेट है? 2 - 2 और वाई कितना है? 2। तो बेटा कितना हो जाएगा? आर बी इज इक्वल टू 2i और प्लस के 2j, माफ करिएगा बच्चों j x में -2 है। तो बेटा आर बी कितना हो जाएगा? -2i
और प्लस के 2j। ठीक है बच्चों, ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो क्या कह रहा है कि b वाला जो वेक्टर है वो x डायरेक्शन में कितना है -2 और y डायरेक्शन में कितना है बच्चों 2। तो देख लीजिए इस तरह से। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं यानी मैग्नीट्यूड निकालूं तो आर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा माइनस के 2i प्लस 2j का मैग्नीट्यूड। तो बेटा मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, रूट लगाते हैं आई का, आई कंपोनेंट, तो आई कंपोनेंट कितना है 2। कंपोनेंट मतलब आई का घटक, बच्चों घटक मतलब परछाई। अब खुद देखिए इसकी ए पार्टिकल की परछाई कहां आ रही है, 2 नंबर पे। बाई की कहां जा रही है, 2 नंबर पे। इसी प्रकार बी की कहां आ रही है बेटा, -2 पे, और इधर किधर जा रही है, +2 पे। इस तरह से तो कंपोनेंट्स मतलब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो परछाई। तो बेटा इसी तरह तो कह रहे हैं कि जो पार्टिकल था बी वो आई कंपोनेंट मतलब एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितनी परछाई थी या कितना प्रोजेक्शन या कितनी उसका कंपोनेंट था 2, और सिमिलरली बाई में भी। ये इससे पिछला लेक्चर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आप पढ़ ले, वो आपको बहुत क्या नाम है इससे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आई कंपोनेंट, आई कंपोनेंट मतलब एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना बच्चों 2, यहां भी देख सकते हैं स्क्वायर, प्लस वाई में भी 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा फिर से 8, और कैसे लिख देंगे इसको 2√2। सिमिलरली 6th नंबर, इस बी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो बेटा देखिए पोजीशन किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर्स बताते हैं, आई जे के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में बताते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर की जो होती है वो यूनिट वेक्टर बताते हैं। और यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर कैसे पता, क्योंकि उसके ऊपर कैप लग जाता है। तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है बच्चों वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर मतलब स्केलर, यानी वेक्टर अपॉन स्केलर। तो बच्चों आर बी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आर बी आपको कितना फाइंड दिया हुआ है 2i + 2j, और बच्चों नीचे हो जाएगा 2√2। इसी प्रकार इस जैसे इसको कर रहा था इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो बच्चों आर बी हो जाएगा आपका माइनस के i/√2 और प्लस के j/√2। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि पिछला न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों देखो एक न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, 1। ठीक है बच्चों, 1, 1 कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, और आपको फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर, यानी वो जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1, 1 है, यानी एक्स डायरेक्शन में कितना है 1 और वाई डायरेक्शन में भी उसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, उसका आपको पोजीशन वेक्टर बताना है। ठीक है बच्चों, और एंगल मेड आर, आर मतलब पोजीशन वेक्टर, यानी आर वेक्टर जो है वो एंगल बनाएगा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, यानी समझ लो बच्चों, यानी वो जो पोजीशन वेक्टर है जिसकी जो पॉइंट है 1, 1 उसका पोजीशन वेक्टर बताना है, और उस वो जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बताना है बना रहा है वो आपको डिटरमाइन करना है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपको वॉल्यूम बताना है कोन का, कोन मतलब शंकु। अब आप कहेंगे कि सर शंकु कैसे, देखिए बेटा जब आप इस पोजीशन को यानी 1, 1, 1, 1 पोजीशन को जब आप फ्लिप कर देंगे, यानी एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रख देंगे, फ्लिप कर देंगे, तब वो एक कोण का रूप ले लेगा, एक शंकु का रूप ले लेगा, जो कहां से बना रहा है बच्चों एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो आपको उसका वॉल्यूम बताना है, उसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। देखिए बच्चों ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया +x − x + y − y, और पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है 1, 1 है, यानी एक्स डायरेक्शन में अगर मैं उसका प्रोजेक्शन देखूं बच्चों 1 है, वाई डायरेक्शन में भी जो प्रोजेक्शन है बच्चों वो 1 है। अब वो कह रहा है, चलो वो आप समझ गए। अच्छा देखिए एंगल क्या है, ये वाला आपको एंगल बताना है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, तो बच्चों एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है थीटा। आपको ये पोजीशन बतानी है आर, आपको ये एंगल बताना है, और साथ में क्या बोल रहा है कि आपको वॉल्यूम बताना है किसका, कोण का, कोण मतलब शंकु। अब शंकु बनेगा कब, जब आप इसको आर को फ्लिप करके इधर ले आएंगे, देखो इधर भी ला सकते हो तब भी एक शंकु बन जाएगा, इधर इसको उठा करके इधर ले आएंगे एक शंकु बन जाएगा इस तरह से। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जो शंकु बनेगा, जो कोण बनेगा वो एक्स एक्सिस के अराउंड, यानी आपको यहां से फ्लिप करके यहां लाना है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और यदि नहीं होता इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा।
आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को कमेंट अपना मीनिंगफुल कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बच्चों।